वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं निज़ामपुर 2 ग्राम पंचायत के हरिमोनी चौक में, और यहाँ मिर्च के किसान अपनी हरी मिर्च को लेकर आते हैं और यहाँ पे वो लोग बेचते हैं मिर्च को। पिछली बार की अगर हम बात करें तो मिर्च का रेट 60-70 से भी ज़्यादा था, और इस बार बहुत कम है। तो लोगों से बात करेंगे कि उनकी फसलों को जो लगातार तेज़ बारिश, हवा, आंधी हो रही है, उसमें कितना नुकसान हुआ है और किस तरह की उनकी फसल है। तो लोगों से सीधे जानते हैं। यहाँ पे एक चचा मौजूद हैं। की नाम काकू? तोरुने। तोरुना कोथा है बड़ी? शिकारपुर। शिकारपुर। हाँ। मरीच लगाए से, लंका लगाए से? हाँ, लंका लगा। कतटा? आढ़ाई बीघे, दुई बीघे, दस कटा। गेलो बछर मतन हो तो ना? हाँ ना, गत बछर मतन है नाई, लंका है नाई, मरिए गलो, যা হয়েছে তা মরে গেল বৃষ্টিতে। বৃষ্টিতে মানে লঙ্কা মরে যাওয়ার কারণটা কি? বৃষ্টি। বৃষ্টি, তারপর ধসা লাগছে। হুম, এই কারণে। কত খরচা করেছিলেন আড়াই বিঘা জমিতে? ২০,০০০ মতো। ২০,০০০ মতো। হ্যাঁ, এখন যতটা লঙ্কা আপনার খেতে আসে। यहाँ पे एक व्यापारी, हम सीधे इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हो आपका? कल्याण सरकार। कहाँ? यहीं पे आप? हरिमोनी चौक में मेरा घर है। हरिमोनी चौक में आपका घर है। आप मिर्च के व्यापारी हैं? हाँ, व्यापारी है, छोटा मोटा व्यापारी है। कितने मात्रा में यहाँ पे अभी मिर्च आ रही है? यहाँ अभी 4-5 पिकअप का आमदनी होता है, लेकिन यहाँ फुल आमदनी होगा तो 70-80 गाड़ी आमदनी होता है। होता है। तो पिछली दफा जिस तरह से मिर्च की यहाँ पे आमदनी होती थी, आती थी मिर्च, उस तरह की का बाजार अभी है? नहीं, अभी नहीं है, अभी 2-4 दिन बाद फिर मिर्च आमदनी होगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण से बाजार कुछ घटा है। और ये मिर्च की खेती में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, रोड रास्ता का भी हालत खराब है, आप लोगों को दिक्कत होती है ऐसे रास्तों से गुजरने? हाँ, बारिश के कारण से तो मिर्चाई का बहुत नुकसान पहुँचा। और एक बात है, यहाँ का असुरागर से लेकर हरिमोनी तक रास्ता बहुत खराब है, इधर गाड़ी नहीं जा पा रहा है, उल्टा जाता है तो खर्चा ज्यादा लग जाए व्यापारी लोग को। अभी क्या रेट में खरीदते हैं? अभी हमारा यहाँ का मिर्चाई का डिमांड है, यहाँ का मिर्चाई का 19-20 रुपया दाम है। हाँ, पिछली दफा तो 60-70 रुपए में बिक रही थी। हाँ, अभी क्योंकि लिए मेरा नजदीक बिहार है, पूर्णिया, कटिहार, वहाँ 6-7 रुपया बिकता है, सब व्यापारी उधर चला जाता है, इसीलिए इधर दाम रेट कम है। अच्छा, आप यहाँ लोकल हरिमोनी चौक के हैं, तो ये ग्रामीण एरिया है? ग्रामीण एरिया है। बहुत सारी खेती है यहाँ पे, लोग खेती करते हैं और मिर्च की भी खेती है। आप उधर कभी देखे आपके किस तरह से लोगों की फसल जो है हुई है? नहीं, हम तो गांव-गांव घूमते हैं, हम लोग व्यापारी है या किसान भी है, गांव-गांव घूमते हैं। मिर्चाई का बहुत नुकसान है, धसा भी लग गया है बारिश के कारण से। बारिश के कारण से। तो पिछली दफा जिस तरह से मिर्च हुई थी किसानों की, ऐसी उम्मीद है? नहीं, इस नहीं है, पर साल जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। हाँ, इस साल थोड़ा कम होगा। तो ये हरिमोनी चौक एक ऐसा यहाँ पे मार्केट है, और यहाँ मिर्च का जो बाजार लगता है, ये आपको मैं बता दूं कि निज़ामपुर 1, निज़ामपुर 2, सुरजापुर 2, और इधर आपका सुरजापुर 1, काफ़ी एरिया से लोग यहाँ पे मिर्च लेके आते हैं अपनी। लेकिन इस बार जो लगातार बारिश हो रही है, इससे काफ़ी मिर्च के भी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी मैं पहले आपको दिखा रहा था कि मक्का किसानों की जिस तरह से हालत थी, उससे कहीं ज़्यादा अगर हम बात करें तो मिर्च किसानों की है। क्या नाम चाचा? मिगलाल। मिगलाल, आप भी मिर्च के किसान हैं? हाँ। कितना बीघा खेती करते हैं मिर्च का? हम तो 2 बीघा की हैं। 2 बीघा हुआ है? सही नहीं, बारिश में खत्म हो गई है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, तो उसमें काफी नुकसान हुआ है। काफी मतलब है ये नहीं, खत्म हो गया। अच्छा, 2 बीघा खेती में कितना, मिर्च का खेती में कितना खर्चा हो जाता है? 2 बीघा में कम से कम आप 30,000 रुपया खर्चा किए हैं। तो अभी कुछ बचा है या नहीं बचा है? थोड़ा बहुत है। आएगा उतना? नहीं, उतना नहीं आएगा, पूंजी भी नहीं है। रास्ता की हालत कैसी है पहले तो ये बता दीजिए? सबसे खराब है हम लोग का रास्ता जी, ये रास्ता का वजह से जो आप खेतों से फसल। हाँ, और यहाँ जो हर दिन, हर साल जैसे 70-80 गाड़ी लोड होता है डेली, मगर इस साल होगा नहीं, क्योंकि रास्ता इतना खराब है। ये रास्ता का एकदम हाईवे तक जाता है, इतना खराब है कि यहाँ जाने आने का कोई व्यवस्था ही नहीं है। इससे काफी जाएगा,
इससे काफी प्रभाव पड़ा है यहाँ के बाजार, बहुत 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 प्रभाव पड़ा है। अच्छा। बहुत। तो क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार के पास तुरंत कम से कम वसुरागढ़ से हरिमुनि चक तक सरकार कोई व्यवस्था करे रास्ता के बारे में, तब यहाँ का किसान थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता है। अगर ये रास्ता कंप्लीट नहीं होगा, अगर जाने का व्यवस्था नहीं होगा तो किसान का मर जाएगा किसान साहब, क्योंकि गाड़ी नहीं लोड होगा, किसान को ले जाना पड़ेगा कहीं कानकी नहीं तो कहीं, जब कानकी में अगर जाएगा तो वह अपना मर्जी से खरीदेगा, वो उसमें फिर एक्स्ट्रा आपको किराया भी लग जाएगा। हाँ, एक्स्ट्रा किराया भी लग जाएगा। हाँ, कितना बीघा खेती किया मिर्च का? मिर्च खेती किया 2 बीघा, 2 बीघा में सिर्फ 1 बोरा निकला आज। 1 बोरा? हाँ, तो जितना सारे ये सब मर जाता है यार। अच्छा, सब पानी से बारिश हो गया, यानी बारिश और 2 दिन ऐसा रहेगा तो मिर्चा एक भी नहीं आएगा, सब वहीं पे सड़ जाएगा। 2 बीघा में कितना खर्चा किए थे? 2 बीघा मिनिमम आप धरिए, बीघा में 15,000-20,000 रुपये आप पकड़िए, यानी दोनों मिला के 40-30 हज़ार रुपये 40,000 तक खर्च किए हैं। हाँ, तो जितनी फसल आपकी बची है वो पूरा होगा खर्चा? नहीं होगा शायद, इस बार का जैसा है नहीं होगा। अच्छा, पिछली साल की अगर हम बात करें तो कैसी फसल थी मिर्च की? पिछली बार अच्छा था। अच्छा। 1 बीघा में तकरीबन फास्ट तोरी में क्या 10 क्विंटल निकला था 1 बीघा में। तो इस बार जैसा कि अगर हमसे आपसे पूछें कि इस बार जब आप की फसल बर्बाद हो गई है खेतों में और आप 1 बोरा बता रहे हैं कि 1 बीघा में मेरा निकला है और उसको लेके यहाँ मंडी में आए हैं, क्या रेट में बेचे? 18। पिछली बार क्या रेट था? पिछली बार पहले से शुरू किया था 11 रुपया, उसका बाद लास्ट हो गया था 82 रुपया। यानी 30-36-40 रुपया तक सेंटर में था और इस बार 19 रुपए में बेचे। इसमें भी कमी है? इसमें भी कमी लगातार, यही हम आपको दिखा रहे हैं कि जो लगातार बारिश हो रही है उससे खासकर किसानों को बहुत ज्यादा, चाहे वो मक्का किसान हो या मिर्च के किसान हो, अभी जो समय चल रहा है उसके अनुसार इन दोनों किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। अभी भाई ने बताया कि 30-40 हज़ार रुपये खर्च किए हैं और 1 बीघा ज़मीन में उनका 1 बोरा मिर्च निकला है। बताइए 19 रुपये के भाव में क्या उनका बचेगा और क्या घर लेके जाएंगे? 100 रुपये का वो पेट्रोल फूक के आएगा, पेट्रोल भी इतना महंगा, एक हफ्ते में 6 रुपये ज़्यादा हो गया पेट्रोल का रेट, कैसे क्या करेगा किसान? आपका वासुदेव सिद्धा? वासुदेव सिद्धा की करें आपने? আমি খেতি বাড়ি লঙ্কা কৃষকের চাষবাস করি আর ভুট্টা। লঙ্কার খেতিটা? লঙ্কার খেতি ভালো হয়েছে, বৃষ্টিতে শেষ হয়ে গেল সব কিছু। প্রথমে ঠিক ছিল কিন্তু এই মাঝে মাঝে যে বৃষ্টি হয়, হ্যাঁ, বৃষ্টিতে সব লঙ্কা গাছ ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে, আর লকডাউনের জন্য পাইকার বাইরে থেকে আসছে না, দাম পাচ্ছি না আমরা, অসুবিধা অনেক সবই অসুবিধা, ওই জন্য মালও তুলতেছে না লোক। কিষান হি चावल उगाता है, किसान ही गेहूं उगाता है, किसान ही मिर्च उगाता है, किसान ही सब्जी उगाता है, लेकिन पता नहीं किसानों की हालत कब सुधरेगी। अभी भाई बता रहे थे, ये भाई इनकी ज़रा इनकी हालत को देखिए, 45,000 रुपये इन्होंने खर्च किए हैं 2 बीघा ज़मीन में, और बता रहे हैं कि 2-3 क्विंटल मिर्च ही निकाल पाएंगे और कर्ज लेके खेती किए हैं। बताइए अब क्या करेंगे? कितने हैं आपके परिवार में लोग? 5 परिवार में 5 लोग हैं। 5 जन কামাই করে কয়জন? একজন। আপনি কামাই করে ম্যানেজ করেন পুরো পরিবারটাকে? করতে হয়, কোনো রকম চলতে হয়। এখন যেরকম আপনি বলেন কর্জা নিয়ে খেতি করেছেন, এখন উল্টা হয়ে গেছে, এখন যে লেবারি করতেছি, মরসিনে লেবারি করতেছে, কামাই তো বাঁচতে তো হবে, ওইটাই। আপকে হিম্মত কো দাদ দেতে হ্যাঁ, ঠিক আছে। দেখিয়ে যাব ইনকি ফসলো কো নুকসান হওয়া তো ইহা পে মজদুরি করনে লাগ গয়ে কে ভাই কিসি তরহ সে তো পেট কো পালনা হি হ্যায়। तो ये मैं कुछ दिखा रहा था आपको हरिमुनि चौक से, आपने देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, अगर फेसबुक पे इसको देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर फॉलो करें। कैमरामैन शरीफ राही के साथ मैं साजिद हुसैन, चाकुलिया टाइम्स, हरिमुनि बाज़ार।